आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है कि ऐसी भौतिक घटना का नाम बताइए जो प्रकाश के साथ घट सकती है किंतु ध्वनि तरंगों के साथ नहीं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश व ध्वनि दोनों ही तरंगे हैं। प्रकाश व ध्वनि दोनों ही तरंगे हैं। तो अब हमें ये बताना है कि अगर दोनों ही तरंगे हैं तो ऐसी कौन सी घटना है जो प्रकाश के साथ तो घट सकती है लेकिन ध्वनि तरंगों के साथ नहीं। अच्छा, अब पहले देख लेते हैं कि हमारा प्रकाश किस प्रकार की तरंग है और हमारी ध्वनि जो है वो किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश हमारा अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग, तथा ध्वनि हमारी कैसी है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। तो अब इतना तो समझ में आ गया कि प्रकाश और ध्वनि तरंगे तो हैं, लेकिन दोनों ही विभिन्न प्रकार के तरंगे हैं, एक प्रकार की तरंगे नहीं है। प्रकाश हमारा अनुप्रस्थ तरंग है जबकि ध्वनि हमारी अनुदैर्ध्य तरंग है। अब हमें ये देखना है कि अनुप्रस्थ तरंग कैसी होती है और अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे होती है जिनमें माध्यम के चलने की दिशा के लंबवत तल में कंपन करते हैं, लंबवत तल में कंपन। और जो ये कंपन हो रहे होते हैं वो कैसे होते हैं? विभिन्न दिशाओं में। देखिए, एक तो जो तरंग हमारी चल रही जिस दिशा में उसके लंबवत तल में कंपन करेंगे और विभिन्न दिशाओं, मतलब कि सारी दिशाओं में कंपन हो रहे होंगे, ठीक है। अब अनुदैर्ध्य तरंगें कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग के ही चलने की दिशा में कंपन कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या कि हमारी तरंग चल रही है तो कंपन भी ऐसे ही चल रहे होंगे, ठीक है, उनमें उन और लंबवत तल में कंपन नहीं हो रहे होंगे। तो ये तो मैं समझ में आ गया कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर क्या है। अब हमें वो घटना देखनी है जो प्रकाश तरंग में हो सकती है लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग में नहीं हो सकती है। तो ध्रुवण की घटना केवल किसमें हो सकती है, कौन सी तरंगों में हो सकती है? ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में हो सकती है, अनुप्रस्थ तरंगों में हो सकती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं, ठीक है। तो अगर ध्रुवण की घटना अनुप्रस्थ तरंगों के साथ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारी वो घटना प्रकाश, हमारा वो जो है जो प्रकाश है वो घटना दे रहा होगा, क्योंकि हमारा प्रकाश क्या है? प्रकाश हमारा अनुप्रस्थ तरंग है और अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ध्रुवण की घटना में ऐसा क्या है जो हमारे ध्वनि तरंग नहीं दे पा रही है, या अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए ध्वनि घटना क्यों नहीं हो रही है? तो ध्रुवण की घटना वह घटना होती है जिसमें जो माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत तल में तो कंपन कर रहे होते हैं, लेकिन एक ही दिशा में कंपन हो रहे होंगे, ठीक है। एक ही दिशा में कंपन कैसे देंगे? मतलब कि ये कि देखिए, हमारा अनुप्रस्थ तरंगों में क्या हो, जो कंपन थे वो सारी दिशाओं में, लेकिन अगर ध्रुवण घटना होगी तो उसमें क्या होगा, जो कंपन होंगे वो केवल एक ही दिशा में हो रहे होंगे, या तो केवल वो दिशा कोई भी हो सकती है, लेकिन जो कंपन जो माध्यम में कण होंगे तो कंपन करने की दिशा वो केवल कैसी होनी चाहिए? एक ही दिशा में होनी चाहिए, कि सारे जो कण होंगे वो केवल एक ही जैसे एक ही दिशा में कंपन कर रहे होंगे। तो जब ये घटना होती है तब हम बोलते हैं ध्रुवण की घटना। और देखिए, ध्रुवण की घटना के लिए क्या होना जरूरी है? लंबवत तल में कंपन होना जरूरी है और जो कंपन है उनका एक ही दिशा में होना जरूरी है। तो अगर हम लंबवत तल में कंपन पे जोड़ दें तो हम देख सकते हैं कि लंबवत तल में कंपन केवल किसमें होते हैं? केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे ही केवल ध्रुवण घटना, अनुप्रस्थ तरंगों में ही ध्रुवण घटना केवल कैसी है, पॉसिबल है,
अनुदैर्ध्य तरंगों में दृढ़ घटना जो है वो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब हमारा जो प्रश्न था वो कह रहा था कि ऐसी भौतिक घटना का नाम दे नाम बताइए जो प्रकाश के साथ घट सकती है किंतु ध्वनि तरंगों के साथ नहीं, तो वो घटना कौन सी है? ध्रुवण की घटना है जो प्रकाश के साथ घट सकती है किंतु ध्वनि तरंगों के साथ नहीं, तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।